हूँ आपके साथ अफशान जकी। आज हम बात करेंगे मेरे पास तुम हो के बारे में। लास्ट जो हमने रिव्यू किया था आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामे की स्टोरी अब बहुत ही दिलचस्प मरहले पर पहुंच चुकी है। इस ड्रामे में हीरा मानी की धुआंधार एंट्री हो चुकी है। ड्रामे की स्टोरी अब आगे किस मोड़ पर जाती है ये देखना है। हुमायूं सईद जो कि अब एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और नहायत ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस कर बुलंदियों के मुकाम को छूना चाहते हैं, अब देखना ये है कि वो किस तरह से स्ट्रगल करके बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। पिछली आने वाली किस्त में मतीन साहब का तो किरदार वहीं ख़त्म हुआ, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से अपनी अदाकारी की है वो हमेशा याद रखे जाएंगे। जब भी मेरे पास तुम हो का जिक्र आएगा तो मतीन साहब का भी जिक्र आएगा। मतीन साहब का तो किरदार यहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन उनकी जगह उनकी बेटी ने ली है। अब देखने में यही लग रहा है कि आगे जाके हुमायूं का उनसे कोई लिंक बनेगा और आगे की अंडरस्टैंडिंग के बाद हुमायूं सईद उनसे शादी कर लेंगे। और बात की जाए अगर आयजा की तो उनका अंजाम वही होगा जो उन्होंने किया। गुज़श्ता दिखाई जाने वाली किस्त में हमने देखा कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की और अदनान सिद्दीकी ने डिमांड करी कि हम रिलेशनशिप पे रहते हैं। शादी में तो तलाक हो सकती है पर मोहब्बत में कोई तलाक नहीं होती। आयजा का अंजाम हम सब की आंखों के सामने है। अब देखना ये है कि वो पलट कर हुमायूं के पास कब आती हैं और हुमायूं उनके साथ क्या सलूक करते हैं। अगली आने वाली किस्त के प्रोमो में हमने देखा कि दौलत के पीछे बच्चे और शोहर को छोड़ जाने वाली आयजा अब अपने बच्चे को हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं और हुमायूं सईद से डिमांड करती हैं कि वो बच्चे की कस्टडी लेना चाहती हैं। पर हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि बच्चा अपनी माँ के पास नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चा कह चुका है कि जब मामा छोड़ के चली जाती हैं तो वो मामा नहीं रहती। हीरा मानी इस ड्रामे में अपना किरदार हुमायूं सईद के साथ किस तरह निभाती हैं, बग़ैर किसी रिश्ते के उन्हें किस तरह सपोर्ट करती हैं और उनके वालिद के जाने के बाद हीरा का साथ हुमायूं किस तरह निभाते हैं, आपको क्या लगता है ड्रामे की स्टोरी आगे किस तरफ जाएगी? हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए आईबेक्स मीडिया हाउस।